गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको देंगे हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें उन करेंट अफेयर के क्वेश्चंस जिन्हें हम आपको याद कराएंगे ट्रिक्स से, ठीक है। और ग्रामर के क्वेश्चंस में भी कुछ ट्रिक्स, कुछ फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए हम लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा थोड़ा ये PDF ना, कैसे पहले शुरुआत में ना करंट अफेयर के क्वेश्चन लग गए, तो चलो पहले मैं हिंदी पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में आपको करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। देखो, इसमें से किसके पर्यायवाची के रूप में चार शब्द दिए गए। जनार्दन का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहा है, तो जनार्दन का कौन सा नहीं है। देखो, विष्णु, श्री, श्री किसको कहते हैं, लक्ष्मी जी को कहते हैं। श्री किसको कहते हैं, लक्ष्मी जी को। तो श्री के ईश कौन है, श्री के ईश कौन है बताना, विष्णु जी तो ये दामोदर, ये तीनों क्या है, जनार्दन के पर्यायवाची। जबकि चतुरानंद तो ब्रह्मा जी का है, ठीक है याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, इसमें से बताना है चंद्रक का कौन सा अनेकार्थी है। मैंने ऐसे याद किया है कि जो गंजे लोग होते हैं ना, गंजे लोग, चंद्र को मैंने मान लिया चांद। चांद किसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं, अपने सिर को भी चांद कहते हैं, ठीक है। तो उसमें नाखून लगा के ख़राब कर लेते हैं, उसे खून निकाल लेते हैं, ठीक। इस तरीके से मैं थोड़ा सा एक इमेजिन किया था, उससे ही अभी तक याद रह गया मेरे को। तो चंद्रक का मतलब क्या है, नाखून है, ठीक। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, चंद्रक का आपको आंसर बताया नाखून, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कृदंत शब्द नहीं है। कृदंत पूछा, कृदंत किसमें कहते हैं, जो क्रिया में प्रत्यय लगते हैं ना उसे कहते हैं कृदंत, या क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, धातु में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृदंत, ठीक है। देखो, भूलना लिखा जा सकता है ना, पीना, घूमना, साधुना नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये संज्ञा है, संज्ञा है, सर्वनाम में जो लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ये तो किसका है, तद्धित प्रत्यय का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये जो ऊपर के तीन है ये तो है कृदंत प्रत्यय, अब ये जो नीचे का है ना, ये चौथा वाला, ये संज्ञा है, सर्वनाम से बना है, संज्ञा से बना है, क्योंकि साधु क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से आपको उपयुक्त पर्यायवाची बताना है तरणी का। देखो, एक होता है तरणी, एक होता है तरणी, एक होता है तरुणी, ठीक है। ये जो तरणी है ना, इसका मतलब होता है सूर्य, ये जो तरणी है इसका मतलब होता है नाव, और ये वाली तरणी है इसका मतलब होता है युवती, याद रखना। ये जो तरणी है ना, बड़ी नाव होती है, ऐसे याद किया मैंने, और छोटा सूर्य होता है, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में आइडिया बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि पहाड़ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पर्वत होता है, भूदर होता है, शैवाल नहीं होता, नग, नग मतलब होता है ना, मतलब नहीं, गा मतलब गमन करने वाला, कहीं गमन नहीं करता ना, एक ही जगह रहता है पर्वत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है याद रखना, शैवाल। नेक्स्ट, जो कवि तत्काल कविता करते उसे कहते हैं आंसू कवि, आंसू कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसू कवि। सो मतलब होता है अच्छा, अच्छा है जो कवि, सो कवि। अब इसमें पूछ ले कि कौन सा इसमें समास है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द में से अज का पर्यायवाची पूछा। अज का मतलब होता है बकरा, अजा मतलब होती बकरी, अजा मतलब क्या होती है, बकरी, याद रखना। और बस, अच्छा पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है अचला, ये याद रखना, ठीक है। और इंद्र का होता है बिडोला, क्या होता है, बिडोला। नेक्स्ट, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से क्या कर रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, किसी की पदवी को कम कर रहे हैं। देखो, एक होता है उन्नति, उन्नति होता है ऊपर बढ़ना, एक होता है अवनति, आपने पढ़ा हो तो, अवनति का मतलब होता है नीचे आना, अवनति देखो यहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पदोन्नति, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है ने उपसर्ग किसमें नहीं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 12 होते हैं, यूज 10 का करते हैं, उर्दू में 19 होते हैं, ठीक है याद रखना। तो ने किसमें नहीं, निराकार में ना निर्धन आकार है, निर्धन आकार कई बार पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी सब में ने प्लस देशक, ने प्लस आय न्याय, ने प्लस वारण निवारण, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, वे कुछ दिन तक लुक छुप कर प्रेम करते, लुक छुप कर प्रेम करते रहने को कहते हैं अभिसार, लुक छुप कर प्रेम करने को क्या कहेंगे, अभिसार। मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसे प्रेम का कोई नतीजा नहीं निकलता वैसे भी। नेक्स्ट, दिनकर का पर्यायवाची पूछ रहा है क्या होता है, तो दिनकर का क्या होता है बताओ, निशा मतलब क्या होता है, रात, रात में चरण करने वाला, इसे तो राक्षस कहेंगे,
मैंने बताया ना कई बार आपको, चर्च जितना जहाँ भी आ जाए ना वहाँ सब राक्षस के आते हैं मैक्सिमम। सुधा मतलब क्या होता है? रात्रि। विवाह मतलब रात्रि। ये दोनों किसके हो जाएंगे? चंद्रमा के हो जाएंगे, ठीक है याद रखना। प्रभाकर ये किसका हो जाएगा? दिनकर का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिनकर दिवाकर, ठीक है सुने होंगे आपने। नेक्स्ट, सज्जन मधुवासी है, मधुवासी का विलोम पूछ रहा है, मधुवासी का हो जाएगा कटुवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र क्या है? गूंगा है, गूंगा का विलोम बताना है, तो गूंगा का होता है बाचाल। और देखो मूक मतलब क्या होता है, ये भी गूंगा, ये क्या है पर्यायवाची है, गूंगा का पर्यायवाची पूछ लेता ना तो क्या होता, मूक होता, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक तो इसमें आसन, एक होता है आसन, आसन मतलब होता है भोजन, आसन होता है बैठने की वस्तु, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट अंब और अंबु, तो ये बारे अंबु नीर जल, अंबु का मतलब क्या होता है? जल, तो जल इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, मगर अंब का मतलब मछली नहीं होता, ये माता होता है, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट, मैं खाना नहीं खाऊंगा बस वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये वरना का ही वर्ण है, तो ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। वाक्य ना रचना के आधार पर तीन प्रकार का बताया, सरल संयुक्त मिश्र, तो ये ना संयुक्त वाक्य है। मिश्र में की आता है, जो सो किंतु परंतु, नहीं की जो सो, इतना याद कर लो बस, इतने से ही निकल जाएगा आंसर। सरल में क्या होता है? एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, ये होता है सरल वाक्य में। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्योम का पर्यायवाची है? व्योम का पर्यायवाची होता है तो आकाश है, और आकाश का पर्यायवाची होकर क्या? ख। अब देखो अग्नि का क्या है? हुताशन है, क्या है? हुताशन। वैश्वानर है, ठीक है याद रखना, और बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, माँ घर लौट आएगी तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगी, ऐसा होगा तो संकेत दे रहे हैं, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? संकेत, ठीक है। अब ये किसके आधार पर ही वाक्य? ये वाक्य ना अर्थ के आधार पर दे रखे हैं, अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, बाकी उनमें से चार ही हैं, अब ये वाला जो वाक्य है ना आपका संकेतवाचक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? ये पूछ रहा है, देखो नहीं आ गया तो नकारात्मक है, ईश्वर तुम्हें सुख शांति प्रदान करिए तो इच्छा है मेरी, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, इस वाक्य साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, तो मैं चाहता हूँ कि व्यापार करूँ, ये हो जाएगा, चाहना आ रहा है तो यहाँ चाहना आ रहा है, इच्छा की तो बात ही नहीं करी तो इच्छा कैसे लगा दूंगा, ठीक है। अलावा कुछ ना करूँ ये तो फर्जी हो गया, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार करना चाहिए तो सिम ऊपर का सेम टू सेम उतार दिए तो सरल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट, अतीब अत्यधन ईब, अत्यधन ईब अतीब, तो ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा लगी, बड़ी ई की मात्रा किसमें आती है? दीर्घ स्वर संधि, किसमें आती है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान करते हैं ना माता पिता, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर चार प्रकार का, अर्थ के आधार पर छह प्रकार का, तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण व्याधिकरण, व्याधिकरण में कारक चिन्ह आते हैं, समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विग, ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल में शिरोमणि, ये हो जाएगा, तो मैं किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को, अधिकरण में पेपर, तो इसमें तीन तीनों में अधिकरण दे नहीं रखा तो आंसर क्या लगा, क्या हो गया? अब तत्पुरुष लगा क्या हो गया, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है या उत्तर पद प्रदान होता है याद रखना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त होने पर उसी क्षण दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है तो इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं पूर्वकालिक, मैं खाना खाकर सोने गया, इस तरीके से समझ लो। नेक्स्ट, इसमें से चार, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें क्या है बताओ? दीपा ने गाय को चारा, क्या खिलाया? चारा खिलाया, किसको खिलाया? गाय को खिलाया, तो दो कर्म हो गए ना, एक तो चारा एक गाय, आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सीता चलने लगी है तो क्या हो गया? अभी आरंभ किया है ना उसने, अभी तो आरंभ किया है। नेक्स्ट, रोहन चाय पीकर बैठ गया, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू, तो पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक करनी, प्रेरणार्थक होती है खुद ना करके दूसरे से करवाना, चलना ये तो उड़ना उठना ये नहीं, दिलाना, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक, और जब कर्ता पे पड़ता है तो उसे कहते हैं अकर्मक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर एक मान लेना, इसे आप बताना, कई बार बता रखा है,
देखो पद पता है क्या होता है, जैसे राम मैंने लिखा, अब यहाँ मैं बोल दिया राम जाता है, ठीक है, यहाँ तो राम ये एक शब्द है, यहाँ पे जब जब मैंने बिल्कुल ये सेंटेंस में यूज कर लिया ना, तब ये पद हो जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर एक मान लेना इसे और इसका जवाब देना आप लोग। नेक्स्ट, राम सो रहा है, इसमें क्या है, अकर्मक है, सोना क्या होती है, अकर्मक क्रिया है, ऐसे निकाल लिया करो, क्या और कौन, कौन सो रहा है, राम सो रहा है, क्या सो रहा है, आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक। दोनों का अगर आंसर निकले तो सकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी, देखो चमकना, देना, गिरना और गिराना, इसमें क्या दे रखा है, गिराना, तो जब आप दूसरे को गिरा रहे हो ना तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक। नेक्स्ट, हत्याना, चिकनाना, लतियाना, बतियाना, ये सब क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है, कैसी होती है, नाम धातु। नेक्स्ट, दो प्राणी अथवा वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं तो क्या होती है, उत्तरावस्था, कितने के बीच में, दो के बीच में, और दो से अधिक के बीच में होता तो क्या होता, उत्तमावस्था हो जाता वो, ठीक है। तीन अवस्था होती है विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वह पढ़ता तो सफल होता, ऐसा होता तो वैसा होता, तो क्या होता है, संकेत होता है, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक। नेक्स्ट, आकाश में तारे निकलते हैं तो ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है आवृत्ति, डेली निकलेंगे, डेली निकलेंगे, आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, आवृत्ति होगी, कंटिन्यू, आज निकलेंगे फिर कल भी निकलेंगे तो दोबारा निकलेंगे, ठीक, आवृत्ति होगी उसकी। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा शब्द विशेषण शब्द प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूरक, कैसे शब्द होते हैं, पूरक शब्द होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में किस प्रकार का बताओ, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, छात्र को पढ़ाते हैं, तो दो कर्म हो गए ना। नेक्स्ट, अच्छा करंट अफेयर के क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, वन सेकंड प्लीज। हाँ देखो, 2 अक्टूबर 2020 को सबसे तेज साइकिलिंग का मतलब ये रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ज़्यादा मत रखना, भरत पन्नू ने, ऐसे याद रखना, साइकिल सबसे ज़्यादा कहाँ चला रहे हैं, भारत में चला रहे हैं, तो भरत पन्नू, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इन्हें तो सरस्वती सम्मान मिला था, याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, IMF ने एक रिपोर्ट जारी करी है कि अब जो GDP अनुपात है उसका ऋण 74 से बढ़ के कितना हो गया, मक्खन क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना। ऐसे समझो कि हमारे देश के पास जितनी भी GDP है उसका हमने कितना परसेंट ऋण ले रखा है, तो अब 90% हो गया है ऋण, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 100,000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव है, इसे भी थोड़ा याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखो, महिलाओं को क्या पसंद होते हैं, मेघ पसंद होते हैं, मतलब बारिश पसंद होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। और ये एथेनॉल नीति कौन लेके आया था, छत्तीसगढ़ लेके आया था। सिक्किम में कौन सी छात्रवृत्ति योजना भी जो चालू हुई है वो, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन आयोजन किए, तो ये किसने किया, अमेरिका ने, अमेरिका ने क्या करा है, इंडिया की जो एरिया है ना, इंडिया का जितना एक्सक्लूसिव जोन बनता है उसमें आके और यहाँ पे क्या कर लिया है, ऑपरेशन कर लिया है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मक्खन की पावर इन्फाइनाइट लगा लेना, इसे जरूर पूछा जाएगा कि फ्रीडम नेविगेशन किसने किया था, अमेरिका ने किया है, अंडमान निकोबार के पास किया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम, तो देखो पहली तो थी मुंबई, दूसरी थी CSK, तीसरी बन गई KKR, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा आइडिया रख लेना, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी भी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना, जय हिंद, जय भारत।